नमस्कार, आज तक एआई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एआई एंकर सना और मैं आपके लिए लेकर आई हूं टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से बड़ी खबरें। आइए बीते कुछ घंटों में एआई वर्ल्ड में हुए बड़े अपडेट्स को जानते हैं। गूगल अपने दो पूर्व कर्मचारियों नोआम शजीर और डेनियल डिफ्राइटस के एआई चैटबॉट स्टार्टअप Character.ai में सैकड़ों मिलियन डॉलर का निवेश कर सकता है। गूगल पहले से ही कंपनी के साथ पार्टनरशिप में है और अगर वो कंपनी में निवेश करता है तो इस पार्टनरशिप को इससे और भी मजबूती मिलेगी। ये स्टार्टअप आम लोगों को सेलिब्रिटीज से बात कराने के लिए बनाया गया है। लोगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नौकरी जाने का डर है, लेकिन अब एआई उनका बॉस बनने जा रहा है। हाल ही में एक लग्जरी लाइफस्टाइल कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई ह्यूमनॉइड रोबोट निका को अपने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी ने कहा है कि पहली सीईओ महिला रोबोट के रूप में निका एक बोर्ड सदस्य है। बता दें, डिक्टाडोर ने पिछले साल अगस्त में मीका नाम के ही एआई पावर्ड रोबोट को अपना एक्सपेरिमेंटल सीईओ नियुक्त किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने अपनी चैट जीपीटी प्लस सर्विस के लिए नए साइनअप को स्वीकार करना बंद कर दिया है। ओपन एआई के सीईओ सैम आल्टमैन ने एक्स पर एक पोस्ट करके जानकारी दी है कि भारी डिमांड की वजह से नए यूजर्स अब चैट जीपीटी प्लस के लिए साइन अप नहीं कर सकेंगे। फिलहाल इस बात की जानकारी उपलब्ध नहीं है कि नए यूजर्स कब से साइन अप कर पाएंगे। चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए सैमसंग ने जनरेटिव एआई मॉडल गॉस को लॉन्च किया है। इसे कंपनी ने सालाना टेक कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया है। इस दौरान कंपनी ने नए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल सैमसंग गॉस सहित सॉफ्टवेयर और सर्विस के लेटेस्ट अपडेट को शोकेस किया। सोल में सैमसंग डेवलपर कॉन्फ्रेंस कोरिया 2023 में साउथ कोरियाई टेक दिग्गज ने सैमसंग गॉस और इसके तीन सब मॉडल गॉस लैंग्वेज, गॉस कोड और गॉस इमेज पेश किए। इसका मकसद ईमेल लिखना, डॉक्यूमेंट्स को समराइज करना और कंटेंट ट्रांसलेट करना जैसे काम पूरे करने में मदद करना है। एआई मॉडल को गैलेक्सी S24 सहित सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन और टैबलेट में इनबिल्ट किए जाने की उम्मीद है। गूगल के मालिकाना हक वाले यूट्यूब ने कहा है कि अब हर यूट्यूबर को ये बताना होगा कि उन्होंने वीडियो बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है या नहीं। वीडियो अपलोड करते समय यूट्यूब पर ये बताने के लिए नए विकल्प होंगे कि इसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। ये ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण है जहां कंटेंट संवेदनशील विषयों जैसे चुनाव, युद्ध और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पर हो। कंपनी ने चेतावनी दी है कि जो यूट्यूबर इस तरह की जानकारी छिपाने का विकल्प चुनते हैं, उनका कंटेंट हटाने के साथ यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से उनके सस्पेंशन का फैसला लिया जा सकता है। आपको एआई पर दी गई हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक एआई।